इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुजरात के वडोदरा से बता रहे हैं, जहां नाव पलट गई है जिसमें 13 बच्चे और 2 टीचर्स की मौत हो गई है। बच्चों और टीचर्स ने नहीं पहन रखी थी लाइफ जैकेट। आपको बता दें कि न्यू सनराइज स्कूल के छात्र और टीचर थे। 10 बच्चे और 2 टीचर को बचा लिया गया है। इसके अलावा रेस्क्यू टीम ने नाव से बच्चों को बाहर निकाला है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिकनिक मनाने के लिए ये सभी टीचर्स और छात्र पहुंचे थे, और बच्चों का डूबना हृदय विदारक है, ये सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट करके बताया है। उन्होंने दुख जताया है इस घटना को लेकर। दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति सीएम पटेल ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा है कि दयालु ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। पीड़ितों को राहत और उपचार प्रदान के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि गुजरात से बड़ी खबर है, वडोदरा में नाव पलट गई है, 13 बच्चे और 2 टीचर की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां नदी में ये बोटिंग की जा रही थी, जिसमें कई बच्चे और टीचर्स सवार थे। न्यू सनराइज स्कूल के ये छात्र थे, इसमें टीचर मौजूद थे, जिसमें से 10 बच्चे और 2 टीचर को हालांकि बचा लिया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने नाव से बच्चों को बाहर निकाल लिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि स्कूल के 13 बच्चे और 2 टीचर की मौत हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बता दें कि स्कूल के सभी छात्र और टीचर्स पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट करते हुए इस घटना को बेहद विदारक बताया है। उन्होंने दुख जताया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। दयालु ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। पीड़ितों को राहत और उपचार प्रदान के तत्काल सीएम पटेल ने निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि वडोदरा की हरणी झील में नाव पलटने से बच्चों के डूबने की घटना अत्यंत हृदय विदारक है। ये सीएम ने कहा है कि मैं अपनी जान गंवाने वाले मासूम बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दयालु ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि अस्पताल में जिन छात्रों और टीचर्स को भर्ती कराया गया है, फिलहाल वहां से जानकारी नहीं आई है कि फिलहाल क्या स्थिति है। हालांकि जो पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं कि स्कूल के सभी छात्र और टीचर्स पिकनिक मनाने गए हुए थे, जिसके बाद ये घटना घटित हुई, जिसमें नाव पलटी और 13 बच्चे और 2 टीचर्स की मौत हो गई।